नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर फरुखाबाद से। थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव नथुआपुर निवासी गोविंद पुत्र महेंद्र सिंह ने अपनी प्रेमिका चाची की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी गोविंद का अपनी सगी चाची से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 15 दिन पूर्व मृतका अपने प्रेमी गोविंद के साथ चली गई थी, जिसमें परिवार के लोगों ने चल रहे प्रेम प्रसंग को लेकर आपस में बैठकर समझौता कर लिया था। फिर किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद को लेकर गोविंद ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद अपने भाइयों के साथ मिलकर महिला का शव गंगा घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। मृतका के भाई राहुल पुत्र राम सहाय कासगंज निवासी ने प्रभारी निरीक्षक थाना कमालगंज को सूचना दी कि उनकी बहन राजेश कुमारी पत्नी जयलाल का विवाह ग्राम नथुआपुर में हुआ। उनके भतीजे गोविंद ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अजय नारायण सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को आता देख परिजन महिला का जलता शव छोड़कर भाग गए। गंगा घाट पर पहुंची पुलिस महिला के शव को जलता हुआ देखती रह गई, लेकिन पुलिस आज जले शव को आग से बाहर निकालने की हिम्मत भी न जुटा पाई। थाना अध्यक्ष ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पता चला कि गोविंद ने अपनी सगी चाची राजेश कुमारी पत्नी जयलाल की हत्या कर दी। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आज सायंकाल 6 बजे राहुल सनाफ राम सहाय कासगंज निवासी के द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कमालगंज को सूचना दी गई कि उनकी बहन राजेश कुमारी पत्नी जयलाल का विवाह ग्राम नथुआपुर में हुआ है और आज सायंकाल उनके भतीजे गोविंद सनाफ महेंद्र सिंह के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है तथा परिजन लोग उनके शव को लेकर के गंगा जी पर अंतिम संस्कार करने गए हैं। प्रभारी निरीक्षक कमालगंज तत्काल पुलिस बल लेकर के गंगा जी के किनारे मौके पर जब तक पहुंचते हैं वहां पर उनके शव का पूर्ण रूप से संस्कार करके घर वाले वहाँ से चले गए थे। प्रभारी निरीक्षक के द्वारा तत्काल घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया, जिससे यह जानकारी हुई कि गोविंद द्वारा किसी अवैध शस्त्र के द्वारा अपनी सगी चाची राजेश कुमारी पत्नी जयलाल की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग को पंजीकृत करते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फरुखाबाद से विजय सिंह की रिपोर्ट।